हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतीक गेमिंग में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 5 विनेलेटर इमुलेटर गेम्स एंड्रॉइड हाई ग्राफिक्स। ये सभी गेम के ग्राफिक्स आपको बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और इसमें से एक गेम आपको 2 वर्सेस फाइटिंग टाइप मिलने वाला है, एक आपको एनिमे ओपन वर्ल्ड गेम मिलने वाला है, एक आपको कॉल ऑफ ड्यूटी शूटिंग टाइप गेम मिलने वाला है, एक आपको हैक एंड स्लैश गेम मिलने वाला है आरपीजी, और एक गेम आपको स्टार वॉर्स फ्यूचरिस्टिक ओपन वर्ल्ड गेम मिलने वाला है। किसी गेम में कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चले हम टॉपिक पे बढ़ते और देखते हैं कि कौन से ये टॉप 5 विनेलेटर इमुलेटर गेम है। नंबर 5 में जो गेम है वो है स्ट्रीट फाइटर 4 साइजिस की 4GB आपको मिलती है। ये गेम आपका 2 वर्सेस फाइटिंग टाइप रहने वाला है। इसमें स्ट्रीट फाइट के सभी कैरेक्टर आपको मिलते हैं। इसमें आर्केड मोड आप टूर्नामेंट भी खेल सकते हो, एक कैरेक्टर को चूज करके बाकी सभी कैरेक्टर को हरा सकते हो। ये गेम आपका 50 से लेकर 60 FPS पे चल रहा है। ये गेम आपका स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 16GB रैम में टेस्ट हो चुका है, और इसमें ये गेम आपको इतना FPS दे रहा है, तो इतना स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर है और 4GB रैम वाला डिवाइस है। उसमें ये गेम आपका 30 से लेकर 35 FPS तक चल जाएगा लो सेटिंग पे। नंबर 4 पे जो गेम है वो है वन पीस वर्ल्ड सिकर, साइजिस की 25GB है। वन पीस वर्ल्ड सिकर ओपन वर्ल्ड आपको एनिमे गेम मिलता है। वन पीस का गेम कोई ढूंढ रहे हो ओपन वर्ल्ड, तो आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। कलरफुल ग्राफिक्स में आपको ये गेम देखने के लिए मिलता है। इसमें बॉसेस बैटल भी आपको मिलेगी, थोड़ा आरपीजी गेम आपको देखने के लिए मिलता है, और ये 29 से लेकर 13 FPS तक आपका ये गेम चल जाता है। स्नैपड्रैगन 817 का प्रोसेसर और 8GB रैम में ये गेम टेस्ट हो चुका है। उसमें ये गेम आपको 29 से लेकर 13 FPS तक मिल रहे हैं। और ये गेम यदि लैग करता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हो। 680 का प्रोसेसर है और 4GB रैम वाला डिवाइस है। उसमें 800x600 रेजोल्यूशन में 15 से लेकर 20 FPS तक आप इस गेम को एंजॉय कर सकते हो। नंबर 3 पे जो गेम है वो है बैटलफील्ड 4 साइजिस की 13GB है। बैटलफील्ड 4 आपको कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप गेम देखने के लिए मिलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 आपने गेम देखा है, उस टाइप का जो कलर टोन है ना, ग्रेडेशन ब्लैक स्टाइल, उसी टाइप का ही कलर टोन बैटलफील्ड 4 में आपको मिलता है। और इसमें बहुत सारे वैरायटी के आपको गन मिलती है, उनका भी आप यूज कर सकते हो। बैटलफील्ड 4 में आपका ये गेम 30 से लेकर 35 FPS दे रहा है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर और 12GB रैम में ये गेम आपका इतना FPS देगा। बस आपका डिवाइस उस हिसाब से रहना चाहिए। और यदि 680 का प्रोसेसर है और 4GB रैम वाला डिवाइस है, तो ये गेम आपका 20 से लेके 15 FPS तक चल जाएगा। बस आपको 800x600 रेजोल्यूशन में गेम को खेलना पड़ेगा। उसमें थोड़े पिक्सेलेट ग्राफिक्स आएंगे, थोड़े ग्राफिक्स फटेंगे, तो ये थोड़ी दिक्कत है। तो बहुत ही लो एंड डिवाइस है 680 का और 4GB रैम वाला। नंबर 2 पे जो गेम है वो है डेविल मे क्राई 5 साइजिस की 40GB आपको देखने के लिए मिलती है। डेविल मे क्राई 5 आपको हैकर स्लैश आरपीजी गेम मिलने वाला है। डेविल मे क्राई 5 गॉड ऑफ वॉर की तरह ही इसकी पॉपुलैरिटी है। इस गेम की सीरीज भी पॉपुलर आपको देखने के लिए मिलती है। उसी का ये लास्ट वर्जन आपको मिलता है, DMC5 का इस लास्ट सीरीज आपको मिलती है। इस गेम के अंदर बहुत सारे वैरायटी का आपको मॉन्स्टर बॉसेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इस गेम को खेलने के बाद आपका को बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बोरियत फील नहीं होगी। और ये गेम आपका 33-35 FPS तक चल रहा है। बस आपको 800x600 रेजोल्यूशन में इस गेम को खेलना पड़ेगा। और ये गेम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 12GB रैम में टेस्ट हो चुका है। उसमें ये इतने FPS आपको मिल रहे। और यदि आपको 24GB रैम वाला डिवाइस है और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाला डिवाइस है, तो इसमें ये गेम आपको 40 से लेकर 45 FPS तक चल जाएगा 800x600 रेजोल्यूशन में। तो एंजॉय कीजिए गेम को। और लास्ट गेम नंबर 1 पे स्टार वॉर्स जेडी फॉलन ऑर्डर साइजेस की 62GB है। स्टार वॉर्स जेडी ऑर्डर फॉलन, ये गेम आपको साइंस एंड फ्यूचरिस्टिक देखने के लिए मिलता है। ओपन वर्ल्ड गेम है और ये गेम आपका एक्शन एडवेंचर रहने वाला है। आपने स्टार वॉर्स की बहुत सारी मूवी देखी होगी, उसी टाइप का कोई गेम ढूंढ रहे हो तो स्टार वॉर्स फॉलन ऑर्डर आप खेल सकते हो। और ये गेम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 12GB रैम में आपको 10-11 FPS दे रहा है। और 24GB रैम वाला डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर है, उसमें यह 30 से लेकर 35 FPS देगा। बस 800x600 रेजोल्यूशन में गेम को आपको खेलना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।